माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। रीवा की इंडियन एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ने वाली स्नेहा पटेल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश भर में 98.6% अंक हासिल कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। स्नेहा के टॉप करने की खबर मिलते ही उनके माता पिता के साथ सभी उत्साहित हैं और उनकी इस उपलब्धि के लिए सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं। लोकल 18 से बात करते हुए स्नेहा पटेल ने बताया कि घोषित परिणामों से वह काफी ज्यादा खुश हैं और अब वह नीट एग्जाम क्रैक करना चाहती हैं। अपनी इस सफलता के लिए उन्होंने अपने माता पिता और गुरुजनों को श्रेय दिया और उन्होंने बताया कि उनके माता पिता हमेशा सपोर्ट करते थे और बेहतर कर पाने के लिए हिम्मत। तो आइए स्नेहा पटेल से ही जानते हैं कि पढ़ाई को लेकर उनका क्या रूटीन था और किस तरीके से उन्होंने इस उपलब्धि को प्राप्त किया। किस तरह से तैयारी की, कैसा लग रहा अभी आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा कर पाई हूँ। और किस तरह से आपने तैयारी की? मेरा ये था कि जो डेली हम स्कूल पे पढ़ रहे हैं या फिर जो भी कोचिंग से हम जहाँ से जो पढ़ रहे हैं तो उनको मेरा डेली रिवाइज करना था और उसी वजह से ये स्कोर कर पाई मैं। मेरा था स्कूल जाना, फिर घर, उसके बाद फिर स्कूल में जो हुआ वो रिवाइज कर लो, फिर मेरी कोचिंग क्लासेस थी उनको पढ़ना, फिर रात को एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेना कि हमने पूरा दिन में क्या किया। तो मेरा पूरा शेड्यूल ऐसे ही चलता था। घर वालों का कितना सहयोग रहता था पढ़ाई में? पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे मुझे कि मैं कर सकती हूँ और स्टार्टिंग से उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि कर लोगी। तो मेरी सबसे ज़्यादा साइंस में है। लेकिन संस्कृत में 100 में 100? हाँ, तो वो पढ़ाई कर ली थी उसके लिए भी, मतलब 10th में तो सब सारी सब्जेक्ट्स ही पढ़ना है। तो अब आगे क्या बनने का इरादा? अभी मुझे नीट क्रैक करना है तो बस अब वही टारगेट है मेरा कि उस पे लगे रहना है। बहुत मेहनत करती थी वो, मतलब पढ़ने के अलावा कुछ काम उसको है नहीं। स्कूल में जो भी आती है, जो भी टाइम मिलता है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती। क्या थी दिनचर्या? दिनचर्या सुबह उठने के बाद हो गया, स्कूल आने के बाद जितना भी है थोड़ा बहुत रेस्ट के बाद फिर पढ़ाई में लग रहती थी। अपने आप कुछ कहना नहीं पड़ा कभी उसे, शुरू से ही कभी नहीं कहना पड़ा पढ़ने के लिए। कभी कुछ हासिल किया है और सेकंड पोजीशन है शायद MP में। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटी 1 बेटा है। उन्होंने भी 8वीं और 5वीं? हाँ, 8वीं 5वीं। क्या रिजल्ट है? एक 86 है, 85 है। क्या सपना है इनका, क्या सोचती हैं आगे क्या? ये जो भी करेंगे इनके हिसाब से जो भी होगा वो मैं उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक, जो भी करेंगे। आप क्या करते हैं? मैं पहले से एडवोकेट हूँ और कुछ प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। क्या नाम है आपका? धीरमठ पटेल। मेरी बेटी काफ़ी मेहनती है और पहले से उसने सोच के रखा था कि मेरे को टॉप करना है। और मेरी बेटी बहुत मेहनती है, उसने खुद ही सोच के रखा था कि मेरे को टॉप करना है और वो काफ़ी मेहनत भी करती थी इसके लिए, पढ़ाई भी करती थी अच्छी। और कितनी डांट पड़ी पढ़ाई के लिए? हमने सर कभी किसी भी बच्चे को नहीं डांटा, मैंने पढ़ने के लिए कभी नहीं, उसने खुद ही अपने आप करके रखा है। और आपके दोनों बच्चों की भी कितने परसेंट है? 85 है 9th वाली और 82 है। आज आपको कैसा लग रहा है, बेटी टॉप किया है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है।